हेलो फ्रेंड, मैं हूँ लक्ष्मी। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्केचिंग की। तो स्केच में हम बनाएंगे बर्ड्स का स्केच। तो स्टेप बाय स्टेप स्केच हम कैसे बनाएंगे ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो हमने बनाना स्टार्ट किया है, अब ड्रा करना स्टार्ट किया है बर्ड्स का स्केच। तो बर्ड्स का स्केच बनाने के लिए एक नॉर्मल शीट आपने लेनी है, नॉर्मल शीट लेनी है आपने। तो पेंसिल लेनी है, चाहे कोई भी पेंसिल आप यूज़ कर लो। तो मैंने यहाँ पे चारकोल पेंसिल यूज़ की है। तो पहले भी हम कई बार बर्ड्स की, एनिमल्स की स्केचिंग के बारे में जान चुके हैं कुछ टिप्स। तो रैंक करने के न्यूज़ आइडिए मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखते हैं हम। तो आज हम बर्ड्स में बनाएंगे कुछ स्पैरोस। तो स्पैरोस, उड़ती हुई स्पैरोस, बैठी हुई स्पैरोस, कैसे उसके एंगल्स बनाने हैं, तो कैसे हम उसमें कलर फिल कर सकते हैं, कैसा हमने ड्रा करना चाहिए, कैसे हमने इमेज को सिलेक्ट करना चाहिए, ये हम सीखेंगे। तो मैं यहाँ पर जो ड्राइंग ड्रा कर रही हूँ वो है एक बर्ड्स का, यानी कि स्पैरोस बना रही हूँ। स्पैरो, तो स्पैरोस, उड़ती हुई स्पैरोस के एंगल कैसे होते हैं ये हम इस वीडियो में सीख रहे हैं। इस ड्राइंग में आपको मैं करके बता रही हूँ, बनाकर जा करके। तो इसमें हम धीरे धीरे कलर भी फिल करेंगे। तो आपने पहले फर्स्ट टाइम क्या करना है, ड्राइंग का फेस, कोई भी स्केच है आपने जो भी स्केच को सिलेक्ट किया है उसकी पहले फेस की ड्राइंग बनानी है। फेस की ड्राइंग को के एंगल्स बनाने हैं, ड्रा करने हैं। तो हम यहाँ पे अगर हम कलर फिल नहीं कर रहे तो हमने क्या करना है, ब्लैक एंड वाइट कर रहे हैं तो हमने क्या करना है, स्केच के जो आउटलाइन जा रही है स्केच की, तो उसको हमने ड्रा करना है डार्क, थोड़ा सा डार्क करना है। जैसे मैं जहाँ पे सिंपल ड्रा करके एक बार ड्रा करके रख रही हूँ ड्राइंग को, कि जहाँ पे मैंने कलर फिल करना है तो अपने आपने क्या करना है, बैक बैकग्राउंड जो भी है इसका आउटलाइनिंग है इस ड्राइंग की, तो डार्क नहीं करनी है, हल्की से ड्रा करनी है ड्राइंग को। तो यहाँ पे मैंने स्केच जो ड्रा कर रही हूँ उसको मैं ब्लैक, जहाँ जहाँ से भी स्केच पर मुझे दिख रहा है कि ब्लैक है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग के हिसाब से मैं ब्लैक कर रही हूँ स्केच को। तो इसमें बर्ड्स के जो पंख है वो कैसे होने चाहिए, बिखरे हुए पंख कैसे बनाएं, ये देखो पहले हमने हल्का सा उसे ड्रा कर लेना है। तो फिर उसे धीरे धीरे से ब्लैक करते जाना है ऊपर की तरफ से, जहाँ आपको आपकी इमेज के पिक के हिसाब से जो आपने सेलेक्ट की है उसी के हिसाब से आपने जो ड्राइंग बनाई है ड्रा की है। तो जहाँ पर ब्लैक कलर्स है उसके स्केच के ड्राइंग के, तो आपने भी अपनी ड्राइंग में उसे वैसे ही ब्लैक करना है। तो ऊपर की साइड ब्लैक और नीचे की साइड लाइट करते जाना है, जैसे पंख होते हैं वैसा ही आपको ड्राइंग में दिखाई देगा। तो आपने अगर कलर फिल नहीं करने हैं तो आपने आउटलाइनिंग है जो मैं दे रही हूँ शेड से, वो आपने ऐसे ही डार्क करके छोड़ देनी है, थोड़ा सा उसमें वर्क कर देना है। पर आपने अगर कलर भरना है तो आपने आउटलाइनिंग हल्के से लेनी है, यानी कि हल्की सी लाइनें लगाकर उसकी ड्राइंग करनी है स्केच की। तो देखो
ये इजी स्टेप के साथ मैंने बर्ड्स बनाने का सोचा है। तो क्या है कि इस ड्राइंग में मैं अब ये ड्राइंग को, इस स्केच को रेड कर दूंगी, रेड इसमें कलर भर दूंगी। इसमें हम ज़्यादा कलर नहीं भर सकते क्योंकि जैसी हमारी इमेज है, जैसी हमने रिफरेंस चुनी है, सेलेक्ट की है, उसी के हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग के हिसाब से आपने एंगल्स बनाने हैं, उसी के हिसाब से आपने उसमें कलर फिल करना है। कलर फिल नहीं कर सकते तो आपने स्केच बना देना है। स्केच में कैसे कैसे शेड देनी है, कहाँ से शेड देनी है, आपने हर टॉपिक पर अच्छा सा काम करना है अपनी ड्राइंग पर। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक बर्ड्स लिया था, सिंपल था, सिंपल सा बर्ड्स था, तो उसकी ड्राइंग में हमने निकाल ली है, बना ली, ड्रा कर ली। तो अब हम उसमें जैसे कलर फिल कर रहे हैं, मेरे पास जो रेड कलर्स है, कलर पेंसिल है, उसी को मैं भर रही हूँ। वैसे ही पूरा स्केच आपने फिल कर देना है। आप चाहो तो इसमें और भी डार्क कर दो। नहीं, पहले हम क्या करेंगे, नहीं तो हम पहले क्या करेंगे कि जो स्केच हमने हमें दिखाई दे रहा है, हमारा जो स्केच है, उसी के हिसाब से आपने उसे ड्रॉ करना है। पेंसिल कलर्स यूज़ करने हैं आपने, क्योंकि पेंसिल कलर की कुछ सफाई आ जाती है अपने स्केच में, अगर आप सीख रहे हो तो। वन बाय वन आपने क्या करना है, पूरी स्केच में कलर फिल कर देना है, ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ। ऊपर से डार्क, थोड़ा सा नीचे की तरफ से जब मैं लेकर जाती हूँ तो थोड़ा डार्क कर देती हूँ। अब ऑलरेडी हमने यहाँ सिर्फ डार्क ही किया है, तो आपने उससे जहाँ छेड़ पड़ रही है, जहाँ शेड आ रही है, जहाँ लाइट आ रही है, जहाँ लाइट आ रही है, उसको हल्के से पेन से करेंगे, पेंसिल से। हल्के से पेंसिल से आपने उसे ड्रा करना है, यानी कि भरना है उस स्केच को। तो नीचे की तरफ से जैसे हम डार्क कलर भरते आएंगे तो इसमें थोड़ा सा इजी हो जाएगा, यानी कि नीचे की तरफ से डार्क हो जाएगा, ऊपर पंखों की तरफ से लाइट हो जाएगा, ताकि जो हमारी ड्राइंग पे स्पैरोज़ के पंख है वो बिखरे हुए दिखाई दे। तो इस पे हमने शेड क्या करनी है, कलर पेंसिल से शेड देनी है। यहाँ आपको डार्क लग रहा है, जहाँ आपको ब्लैक रख रहा है, लग रहा है, चाहे और भी कोई कलर हो, और कोई ड्राइंग हो आपके पास, तो उसी के हिसाब से आपने कलर फिल कर देने हैं ड्राइंग करके। तो हमने क्या, जहाँ क्या किया है, जहाँ ब्लैक है थोड़ा सा और ब्लैक करने के लिए पेंसिल दोबारा यूज़ की है हमने। तो ब्लैक ब्लैक एंड रेड दोनों को मिक्स करके हमने एक स्पैरोज़ रेडी किया, स्केच रेडी किया। तो आपने क्या करना है, पहले सिंपल सी ड्राइंग को सिलेक्ट करना है, उसी के हिसाब से आपने पहले ड्रा करना है और फिर उसमें कलर फिल करके देखना है। कलर चाहे जैसा भी हो, सिलेक्ट पिक्चर के हिसाब से आपने ड्रा करना है। देखो यहाँ पे मैंने ब्लैक ब्लैक कर दिया, यहाँ ब्लैक थोड़ा सा डार्क कर दिया कि वो जो स्केच है वो अच्छा स्केच बन जाए। थोड़ा सा और इसमें इफेक्ट आप ला सकते हो, कोई भी और कलर भर के फिल करके बीच में, जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसा ही। तो सिंपल वर्क था इसमें, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, इजी स्टेप था।
तो आपने इस स्पैरो की वैसे ही प्रैक्टिस करनी है जैसे हम वन बाय वन करते आ रहे हैं। तो ट्राई करना है आपने ये वाला स्केच। तो अब बारी है एक और स्केच बनाने की, वो भी हम कलरफुल करेंगे, उसमें भी कलरफुल बनाएंगे। तो हमने पहले फेस पर ध्यान देना है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि स्केचिंग करने से पहले हमने किसी भी चीज़ का, कोई भी, हम फेस पर पहले ध्यान देंगे, बाकी बॉडी पर बाद में। तो स्टार्ट है हमारी जो स्केचिंग करने की वीडियो। तो क्या है कि हमने इस स्केचिंग में एक बर्ड्स बनाना है, ड्रा करना है, जिसमें हम बिल्कुल कम उसमें कलर फिल करके दिखाएंगे, यानी कि हम उसमें ज़्यादा कलर्स ऐड ने ना करके, तो एक दो कलर, एक कलर का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने फर्स्ट टाइम क्या करना है, जैसे हम करते आ रहे हैं कि हमने पूरा स्केच को क्या करना है, हल्के पेंसिल से ड्रा कर लेना है, ताकि हमारी जो ड्राइंग है वो पहले अच्छी होनी चाहिए। तो दूसरा दूसरी चीज़ बाद में आती है, पार्ट टू पार्ट, स्टेप बाय स्टेप, वो बाद में आती है। तो पहले क्या आता है, पहले इसमें ड्राइंग करनी है। हमने क्या करना है, ड्राइंग करनी है। ड्राइंग आपने आपकी ड्राइंग के, और सॉरी, इमेज के हिसाब से, आपने पिक के हिसाब से ही आपने आउटलाइनिंग करनी है। अगर आपने कलर फिल करना है तो आपने आउटलाइनिंग डार्क नहीं करनी है। कुछ भी हो जाए, आपने स्केचिंग पहले हल्के पेंसिल से ही करनी है, ज़्यादा डार्क पेंसिल नहीं चलाकर करनी है, ताकि हमने उसमें छेड़ भी भरनी है, कुछ भी टोन्स फिल करने हैं, कुछ भी हमने उसमें ऐड करना है। और तो हमने क्या करना है, उसको हल्का ही बनाना है, पहले हल्का सा ड्रा करना है। तो ये देखो, मैंने पहले हल्का सा पूरा स्केच ड्रा कर लिया है बर्ड्स का। तो अब दूसरी बार मैं क्या कर रही हूँ, डार्क कर रही हूँ, जो मेरे इमेज के हिसाब से डार्क मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है, वहाँ वहीं से मैं शेड दे रही हूँ, ताकि हमने इसको, स्केच को, उससे उसका सेम सेम करेक्टर निकालना है हमने, जो आपने सेलेक्ट किया है उसी के हिसाब से। तो मुझे यहाँ पे मेरे स्केच पर दिख रहा है कि ये चीज़ें डार्क हैं, तो मैंने यहाँ डार्क करना है। तो धीरे धीरे आपने क्या करना है, ये आउटलाइनिंग है मेरे स्केच में, मुझे दिख रहा है इमेज में कि ये थोड़ा सा डार्क है, ये थोड़ा सा डार्क इमेज दिखाई दे रहा है। वन बाय वन आपने इस स्केच पर काम करना है। तो ज़्यादा हमने इसमें भी वर्क नहीं किया है। तो पहले हम कितनी बार स्केच को ट्राई कर चुके हैं, तो इजी है कि ये हमारे लिए स्केच इजी है, आप बना सकते हो। सिंपल तरीके से हमने ड्रा किया है इसे। आपने इसमें कुछ कलर्स फिल करेंगे आपके सामने, जो कि इजी है। तो मैंने यहाँ पर लिया है ब्लू कलर, हल्का सा ब्लू है, लाइट ब्लू। तो आप इसको ज़्यादा डार्क चलाओगे तो ज़्यादा डार्क भी आपको मिल जाएगा ये कलर। तो क्या है कि मैं आपकी इमेज के हिसाब से हल्का सा ब्लू कलर लगा रही हूँ, हल्का सा ब्लू कलर है, ज़्यादा हमने डार्क नहीं किया है। अगर आप स्केच को ज़्यादा डार्क करने की दिखाओगे तो वो स्केच थोड़ा सा कार्टून टाइप हो जाएगा, बच्चों का
वर्क हो जाएगा, जैसे बच्चे करते हैं डार्क चला दिया कहीं पे। आप डार्क वहीं पे करो जहाँ पर मिक्स कलर होते हैं, मिक्स कलर होते हैं वो डार्क अच्छा लगता है, तो उसको देखने के हिसाब से जब आप देखते हैं उसकी लुक देखते हैं तो क्या होता है कि वो डार्क एक अच्छी चीज़ दिखाई देती है, मिक्सअप कलर। तो यहाँ पे मैंने पेंसिल को हल्के में लिया है तो हल्के में चलाकर दिखा रही हूँ कहाँ पर मैंने डार्क करना है, कहाँ इसकी शेड देनी है। मैंने यहाँ पर आपके सामने कुछ अगर अब नहीं किया है तो सिंपल सा तरीका मैंने आपके सामने यूज़ किया है कि हल्के पेंसिल से आपने इसे पूरे फुल स्केच को ड्रा करना है, रंग कलर कैसे भरने हैं यहाँ पे। तो क्या कि हमारा जो स्केच है वो भी अच्छा लगे, तो आपको कार्टून टाइप भी ना लगे आपका स्केच, तो आपको करना है जो आप अच्छा स्केच सेलेक्ट कर रहे हो उसी के हिसाब से आप कॉपी बनाना चाहते हो उसकी, तो आपने पूरे स्केच की ड्राइंग करनी है। हर चीज़ की आप ड्राइंग कर लो, जो भी चीज़ आप सेलेक्ट कर रहे हो उसी के हिसाब से आपने बार बार उसी लाइन्स को रिपीट करना है। अगर आपको हर चीज़ में इंटरेस्ट हो जाएगा, यानी कि बार बार आप हम जैसे बर्ड्स बनाते हैं, चाहे कुछ भी बना लिया, बर्ड्स कैसा है, बर्ड्स में कितने पंछी होते हैं, तो कितने पंछी आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं, कितनों की ड्राइंग आ जाती है, कितनों की ड्राइंग कैसी ही आ जाती है, कलरफुल आ जाती है, लाइन्स आ जाती है, सीधा सा लाइन्स आपने यूज़ करना है, उसी के हिसाब से आपने ड्राइंग सीखनी है। पहले पहले पेंसिल से स्केच बनाना सीखिए, जितनी भी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपके काम आएगी कोई भी स्केच बनाने के लिए। तो यहाँ पे मुझे ब्लैक, ये स्केच पर ब्लैक थोड़ा सा दिखाई दे रहा था, तो क्या मैं इसमें पंख उसके ब्लैक किए हैं, कितने ब्लैक किए हैं ये आपके सामने है, देखो थोड़ा सा ब्लू कलर थोड़ा सा डार्क कर देंगे, यहाँ पर आपको शेड दिखाई दे रही है स्केच के ऊपर, वहीं पे आपने वही कलर्स इस्तेमाल करना है जो आपकी इमेज में दिखाई दे रहा है। तो देखो एक सिंपल सा स्केच, वन बाय वन आपने दो स्केच रेडी कर लिए हैं, तो इजी स्टेप के साथ आपने जो वन बाय वन स्केचिंग देखी है बनाई है, इससे भी ज़्यादा अच्छी बनाकर देखना आपने क्या करना है। आपने स्केचिंग करने की कोशिश करनी है, ड्राइंग करने की कोशिश करनी है, ताकि हम अच्छी ड्राइंग कर सकें, हमारा जो हैंड है वो ड्राइंग के मामले में अच्छा हो जाए। तो आपने इसी तरह कोई भी रेफरेंस, कोई भी इमेज लेनी है, पिंट्रस्ट ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें कुछ भी रिसर्च करोगे, पेंटिंग अगर ड्राइंग कैसी भी आपको मिल जाएगी बड़ी आसानी से। तो मैंने उसी ऐप से ये स्केच सेलेक्ट किया था, तो आपके सामने जो मैं बनाकर दिखा रही हूँ, आपने प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, प्रैक्टिस लगातार करनी है, चाहे कोई भी स्केच की हो कुछ भी हो, आपने प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, बर्ड्स की हो, एनिमल्स की हो, चाहे वो किसी का पोर्ट्रेट क्यों ना हो, बनाने के लिए छोटी से छोटी चीज़ आप सीख जाओगे अगर सीखने की तलब हो तो। आपने क्या करना है, वन बाय वन कोई भी चीज़ ऐसी लेनी है, छोटी से छोटी स्केच, छोटा सा स्केच लेना है, उसको अच्छा सा बनाकर ड्रा करके देखना है। तो आपने ये इसमें ड्रा करते रहना है, आपने सेलेक्ट की हुई चीज़ को बार बार बनाकर देखना है। तो वन बाय वन आज की जो वीडियो मैंने बनाई है बर्ड्स की, तो आपने इसे स्केच को अच्छा बनाने की कोशिश करना है।
स्टेप बाय स्टेप हमने ब्लैक एंड वाइट भी स्केच करके देखना है, केवल एक स्केचिंग। तो फिर उसमें कलर भर के देखना चाहो तो कलर भर फिल करके भी देख सकते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस है डेली की। तो अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए हमने कोई भी रेफरेंस लेनी है, कोई भी इमेज लेनी है, सेलेक्ट करनी है, उसी के हिसाब से आपने उसमें कलर फिल करके देखने हैं, स्केचिंग करके देखनी है। सो आपने भी ट्राई करना है। थैंक यू सो मच।